नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 BHK की प्रॉपर्टी लेके आ गया हूँ। यहाँ पे जो है हमारी परिणीता निवास की बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। सैंपल फ्लैट इसका लेके आया हूँ 3 BHK का, और काफी स्पेशियस जो है यहाँ पे आपको फ्लैट देखने को मिल जाता है। अगर एरिया की बात करूँ इसकी तो 100 स्क्वायर यार्ड का जो यहाँ पे आपको एरिया देखने को मिल जाता है। साथ ही लोकेशन काफी प्राइम रहेगी। द्वारका सेक्टर 16 का एरिया जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। द्वारका सेक्टर 16 में जो है ये आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। अगर नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो द्वारका का मेट्रो देखने को मिलता है, और साथ ही मेट्रो स्टेशन हो गए, पार्क हो गए, यहाँ पे आपको जो है 200 मीटर पे ही जो है देखने को मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन द्वारका का आपको 200 मीटर पे देखने को मिलता है। पार्क जो है डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 15 का जो पार्क है वो आपको यहाँ पे 200 मीटर पे देखने को मिल जाता है। तो एमिनिटीज काफी अच्छी रहेगी, लोकेशन काफी अच्छी है, और एमिनिटीज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको लिफ्ट, कार पार्किंग, रजिस्ट्री और होम लोन की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। और होम लोन जो आपका 80-90% यहाँ पे इजिली हो जाएगा, डिपेंड करता है आपकी सैलरी और सिविल के ऊपर। तो काफी अच्छा फ्लैट है। फटाफट जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर चैनल पे आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी फ्लैट्स की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, तो आपसे मिस ना हो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि फ्लैट आपको कैसा लगा। बाकी इसकी पूरी डिटेल जो है मैं आपको वीडियो में देता रहूंगा, तो जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट की अपनी वीडियो को शुरू कर। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम अपने फ्लैट के कॉरिडोर में खड़े हैं। यहाँ पे जो है आपको लिफ्ट का स्पेस देखने को मिल जाता है। लिफ्ट जो है अभी हमारी अंडर वर्किंग है, ठीक है, तो लिफ्ट का यहाँ पे काम चल रहा है। साथ ही स्टेयर्स आप देख सकते हो काफी बड़े साइज के जो यहाँ पे आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाते हैं। काफी खुला जो है यहाँ पे आपको कॉरिडोर का एरिया देखने को मिलता है। ये हमारा 3 BHK का फ्लैट है जिसकी आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो डोर की क्वालिटी आप देख सकते हो काफी अच्छी यहाँ पे जो डोर की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और साथ ही एक चीज मैं आपको बता दूं, इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में सारा ही काम जो है ब्रांडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोदरेज के जो है यहाँ पे आपको हैंडल डोर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड वाला जो है यहाँ पे आपको हमने हैंडल डोर जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो काफी अच्छा यहाँ पे जो है गोदरेज का हमने हैंडल डोर दिया हुआ है, सारी ही ब्रांडेड काम है। तो एंटर करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छे स्पेस का जो है आपको लिविंग एरियाज का देखने को मिल जाता है। इजिली जो है आपकी 12 सीटिंग जो है यहाँ पे आपकी हो सकती है। 12 सीटर का जो सोफा आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और फ्लैट में जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो बाकी चीजें आप थोड़ी सी अवॉइड करना, यहाँ पे मैं सामान रखता हूँ। तो लेकिन आप ये देख सकते हो पीछे जो है हमने यहाँ पे वॉलपेपर का डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इस वाली वॉल से जो है हमने यहाँ पे PVC का काम किया हुआ है, साथ ही यहाँ पे टाइल का वर्क आपको देखने को मिल जाता है। स्प्लिट एसी की फिटिंग जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में आपको देखने को मिलती है, तो इजिली इस वाली वॉल पे जो है आपका स्प्लिट एसी यहाँ पे लगेगा। तो काफी अच्छा स्पेस है। और इसी के जस्ट अपोजिट में आप टीवी पैनल देख सकते हो, बहुत ही यूनिक जो है यहाँ पे हमने टीवी पैनल दिया हुआ है, और काफी अच्छे स्पेस में पूरी वॉल पे हमने दिया हुआ। तो इजिली आपकी 65 इंच की LED यहाँ पे माउंट हो जाएगी, ठीक है, और प्रोफाइल लाइट का हमने यहाँ पे वर्क किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने शेल्फ बनाई हुई है, तो आप इसको इजिली अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसा आपका मन करे वैसा आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी जो है हमने प्रोफाइल लाइट यहाँ पे लगा के दी हुई है। लिविंग एरिया की फोर सीलिंग की बात करो तो फोर सीलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 फैन की जो है यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और सेंडर भी जो है लिविंग एरिया का यहाँ पे अपने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो काफी अच्छी और काफी डिसेंट लुक में जो है यहाँ पे आपको फोर सीलिंग देखने को मिल जाती है। और फैन की अगर मैं बात करूँ तो पूरे ही फ्लैट में हैवेल्स कंपनी के जो है यहाँ पे फैन हमने यूज किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा ही काम जो है ब्रांडेड रहेगा। अब हम आ चुके हैं अपनी किचन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल शेप में यहाँ पे जो है आपको बेसिकली किचन देखने को मिल जाती है। और वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूं तो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है, विंडो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, शाफ्ट से जो है यहाँ पे आपका स्पेस रहेगा। और साथ ही यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है काफी अच्छे स्पेस का हमने यहाँ पे सिंक दिया हुआ है, तो आप इजिली यहाँ पे बर्तन जो है वॉश कर सकते हो। और ये कि हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो काफी अच्छा। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्पेस दिया हुआ है, तो आप अपना डस्टबिन वस्टबिन जो भी यहाँ पे आप इजिली रख सकते हो। साथ ही अगर बास्केट्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अलग अलग साइजेस की जो है यहाँ पे हमने बास्केट्स दी हुई है। आप देख सकते हो ये 1, 2, 3 जो है यहाँ पे आपको बास्केट्स देखने को मिल जाती है, और भी काफी सारी जो है यहाँ पे आपको बास्केट देखने को मिलती है। साथ ही इसके चैनल्स की बात करूं तो एशियन पेंट्स की तरफ से जो है यहाँ पे हमने चैनल्स यूज किए हुए हैं, सॉफ्ट क्लोजर सारा काम रहेगा, तो काफी अच्छा जो यहाँ पे वर्क आपको किचन में देखने को मिल जाता है। साथ ही शेल्फ की बात करो तो मार्बल का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ, और टाइलिंग का भी वर्क है यहाँ पे जो है आपको
कबर्ड देखने को मिल जाता है। तो आप अपना जो यहाँ पे सारा काम यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी किचन वेयर आइटम है वो आप रख सकते हो। प्रोफाइल लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। चिमनी का स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चिमनी जो हम यहाँ पे लगा के देंगे और हैंडवेयर की जो यहाँ पे चिमनी आपको देखने को मिलेगी किचन में। साथ ही किचन में जो है आपको पैंट्री का स्पेस भी दिया हुआ है, तो काफी अच्छे साइज की जो है आपको पैंट्री देखने को मिलती है। तो आपका किचन का बहुत सारा जो सामान है वो इसी के अंदर आप लगा सकते हो। साथ ही ये जो स्पेस है यहाँ पे आपका इजिली फ्रिज आ जाएगा, काफी बड़े साइज का जो यहाँ पे एरिया आपको देखने को मिल जाता है तो फ्रिज आ जाएगा। वीडियो अगर आप देख रहे हो यहाँ तक और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना कि फ्लैट कैसा है। साथ ही अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलते हैं इसकी कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका कॉमन वॉशरूम है और काफी अच्छे साइज का जो है यहाँ पे हमने वॉशरूम दिया हुआ है। एंटी स्किपिंग फ्लोरिंग है, रूफ एंड तक पूरा टाइलिंग का वर्क है। साथ ही वेंटिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो एग्जॉस्ट जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। वॉश बेसिन का एरिया, सैनिटरी फिटिंग्स इनकम्प्लीट है वो हम आपको प्रॉपर जो है करके देंगे इस फ्लैट में। साथ ही अब इसका मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखा दूंगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। देख सकते हो कितने बड़े साइज में जो है यहाँ पे आपको बेडरूम देखने को मिल जाता है। ठीक है, और पूरे ही फ्लैट में विट्रीफाइड जो है टाइल्स का यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन स्प्लिट एसी का जो है यहाँ पे आपको प्रोविजन देखने को मिल जाता है। टीवी पैनल इस साइड हमने दिया हुआ है और साथ ही वार्डरोब जो है स्लाइडिंग वार्डरोब रहेगी। और वार्डरोब में जितनी भी जो हुड का यूज किया गया हमने स्काई टेनर कंपनी का यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगेन इसमें भी फोर सीलिंग और हैवेल्स का यहाँ पे आपको फैन देखने को मिल जाता है। चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सेकंड बेडरूम है, काफी अच्छे स्पेस के साथ मिलता है और बालकनी से जो है यहाँ पे अटैच रहेगा। तो यहाँ पे देखते हो इसमें भी हमने सेम जो है यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है काफी अच्छे साइज की। ठीक है, डबल बेड आप इसलिए यहाँ पे प्लेस कर सकते हो और इसीलिए अपोजिट जो है काफी अच्छे साइज में आपको एक टीवी पैनल देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे भी जो अपनी एलईडी लगा सकते हो। फोर सीलिंग आपको देखने को मिल जाती है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो गुड़गामा का प्रॉपर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। टफेड ग्लास का यहाँ पे वर्क किया हुआ है और बालकनी आप देख सकते हो एक बार काफी अच्छी जो है यहाँ पे आपको रनिंग बालकनी देखने को मिल जाती है। और प्रॉपर जो हमने यहाँ पे सारा ही काम ब्रांडेड किया हुआ है तो काफी अच्छा ये जो है आपका सेकंड बेडरूम है। चलते हैं थर्ड बेडरूम में। और थर्ड बेडरूम में चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना जिनको भी फ्लैट की अगर आपको नहीं चाहिए, आपके किसी रिलेटिव को चाहिए तो उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाना। साथ ही ये आप देख सकते हो अब हम आ चुके थर्ड बेडरूम में, काफी अच्छा स्पेस के साथ। अगेन इसमें भी स्प्लिट एसी मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि स्प्लिट एसी रूम्स में नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे हर जगह जो स्प्लिट एसी का पॉइंट आपको दिया हुआ है। साथ ही वार्डरोब इसमें भी है, हमने यहाँ पे टीवी पैनल भी दिया हुआ है। और ये जो हमारा है मास्टर बेडरूम रहेगा तो अटैच वॉशरूम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो काफी अच्छे साइज का अटैच वॉशरूम है और सेम जैसे कॉमन वॉशरूम में फिटिंग होगी वैसे ही यहाँ पे भी ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पे की हुई है। साथ ही अगर मैं पाइप की बात करूं जो वाटर पाइप है वो हमने एस्ट्रल कंपनी का यूज किया हुआ है। और इससे भी जो आप देख सकते हो बालकनी कनेक्ट है सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेंटिलेशन इस वाले बेडरूम में भी रहेगी और बालकनी जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छा ये हमारा फ्लैट है, काफी अच्छे साइज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 स्क्वायर यार्ड का जो यहाँ पे आपको इस फ्लैट का एरिया देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूं काफी इफेक्टिव प्राइस है। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि द्वारका सेक्टर 16 का एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन 200 मीटर पे है तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। गुड़गावा जाना चाहते हो तो आप इसमें यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही आईजे एयरपोर्ट भी तो काफी अच्छी यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूं काफी इफेक्टिव है। मात्र जो है हमने 62 लाख रुपीज इस फ्लैट की कॉस्टिंग रखी हुई है। सारी चीजों को देख के काफी इफेक्टिव प्राइस है। तो जल्दी से इस फ्लैट की बुकिंग करो। बुकिंग के लिए आपको क्या करना है स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करके भी बुक कर सकते हो। और अगर आपको फिजिकल टूर करना है इस फ्लैट का तो ऑफिस का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है तो वहां पे आप जो है कनेक्ट करके ऑफिस के एड्रेस पे इस फ्लैट का फिजिकल टूर भी कर सकते हो। तो मैं आकाश मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड।